हैप्पी होली फ्रेंड्स। तो चलिए आज होली स्पेशल रेसिपी हम बनाते हैं। तो दही गुजिया की रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। तो फिर चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए हम एक कप उड़द दाल लेंगे, ये 200 ग्राम है, और इसको अच्छे तरीके से पानी में वॉश कर लीजिए 3 times। और इसके बाद हम लोग इसको सोक करके रख देंगे 2 घंटे के लिए, ठीक है। 2 घंटे तक इसको सोक करके रख देना है कम से कम। तो चलिए 2 घंटे बाद इसको चेक कैसे करना है, जब हम लोग इसको तोड़ेंगे ना ऐसे नाखून से, तो ये 2 टुकड़ों में टूट जाएगा आसानी से। तो ये हमारा हो गया है। तो अब इसको मिक्सर जार में हम बहुत कम पानी डालकर इसको हम लोग पीस लेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, लगे तो ना डाले पानी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे तरीके से पीस लें, ये देखिए स्मूथ पेस्ट बिल्कुल बना लें। तो चलिए अब इसको एक निकाल लेते हैं एक पॉट में, और मैं आधा ही ली हूँ, जितना जो 200 ग्राम जो बैटर था ना उसका मैं आधा ली हूँ। और इसको मिक्स नहीं करना है ज़्यादा। अब इसमें नमक डालेंगे 1/2 teaspoon और हींग डालेंगे 1/4 teaspoon और इसको मिला लेंगे अच्छे से। तो चलिए हमारा गुजिया का बैटर तैयार है। तो अभी हम लोग इसमें गुजिया में डालने के लिए ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं, सूखे मेवे। मैं बादाम, काजू और किशमिश ली हूँ, और उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लीजिए। और प्लास्टिक लेते हैं जिस पे रख के हम गुजिया बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं फिर। तो प्लास्टिक को पहले पानी से हल्का हल्का छींटा मार के भिंगा लेंगे, और हाथ में फिर पानी लगाकर जो उड़द दाल का जो गुजिया का बैटर है जो है उसको हम देखिए हाथ से हल्के हाथ से फैलाएंगे। उसको बहुत पतला नहीं करना है, एकदम हल्के हाथ से फैलाना है अच्छे तरीके से। और उसको फिर हम लोग सूखे मेवे को उसके आधे हिस्से में भरेंगे, और प्लास्टिक को ही देखिए ऊपर से ऐसे मोड़ करके लाना है, देखिए जैसे दिख रहा है बिल्कुल। और बिल्कुल उसका जो एजेस होता है ना किनारे, उसको ही प्रेस करना है, और एकदम हल्के हाथों से ही प्रेस करना है। बहुत ज़ोर से आप प्रेस नहीं कीजिए, देखिए ये कैसे निकल गया। पानी अच्छे तरीके से लगा रहेगा ना तो गुजिया बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगा। फिर पानी के हाथ से इसको हाथ पे पलट लेंगे। उधर हमारे कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है, तेल को भी बहुत गरम नहीं करना है, हल्का गरम करना है, जैसे हम लोग पूड़ी वगैरह तलते हैं वैसा। तो चलिए इसमें एक बादाम को स्टिक कर देते हैं, और इसको अब हम लोग तल लेते हैं। हमारा तेल भी गरम है, ये देखिए धीरे से इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। और ये देखिए, और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, ठीक है। फ्लेम को तेज, आंच को बहुत तेज नहीं करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो चलिए फिर दूसरा भी बनाकर हम देख लेते हैं। तो जितनी बारी हम इसमें गुजिया बनाएंगे ना प्लास्टिक पे, उतनी बारी पानी से प्लास्टिक को पोंछ देंगे, और हाथ पे भी पानी लगाएंगे। ये देखिए कैसे हो रहा है। फिर इसमें हम लोग स्टफिंग कर देंगे। आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, मैंने काजू, बादाम और किशमिश ही डाली हूँ, ये देखिए। और केवल एजेस को ही प्रेस करना है, बीच वाले हिस्से को प्रेस नहीं करना है, सिर्फ एजेस, वो भी हल्के हाथ से ही प्रेस करना है। ये देखिए हमारा तैयार हो गया। तो इस पे भी बादाम लगा देते हैं, और इसको हम लोग धीरे से बिल्कुल कढ़ाई में छोड़ना है, इसको एकदम धीरे से। ये आराम से चला जाता है कढ़ाई में, जब हाथ में पानी लगा रहता है ना तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। तो इसको गोल्डन ब्राउन करके इसको निकाल लेना है, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है। जब गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा उसके बाद आप इसको निकाल लीजिएगा। तो चलिए एक और बना करके देख लीजिए, मैं एक और बताती हूँ। बहुत पतला नहीं करना है इसको, मोटा ही रखना है, ऐसे हाथ से बहुत प्रेस करके नहीं फैलाना है। और प्लास्टिक को ही पकड़ करके मोड़ना है, ये देखिए, और इसके किनारों को ही प्रेस करना है, वो भी हल्के हाथ से, बहुत जोर से नहीं प्रेस करना, ये देखिए हल्के हाथों से ही प्रेस करना है। चलिए अब हाथ पे पानी लगाएंगे और इसको तल लेंगे अच्छे तरीके से। तो इस तरह से सारी गुजिया आप तल लीजिए,
दही गुजिया आप ज़रूर बनाइए एक बार, मेरे तरीके से ज़रूर बनाइए और बहुत अच्छी बनती है ये। देखिए ऐसा गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए तो आप इसको निकाल दीजिए। और मैं तो बोलूँगी एक दो करके डाल करके ही तलिए शुरू शुरू में, बहुत सारा एक साथ मत डालिए। देखिए सुनहरे कलर का हो गया, तो चलिए हमारा गुजिया तल के तैयार हो गया है। तो अब इसको हम लोग को पानी में सोक करना है, तो एक बाउल लेते हैं, उसमें गर्म पानी लेते हैं इतना कि हमारा हाथ उसमें अच्छे तरीके से डूब जाए, जले ना। अब उसमें हम लोग 1 टीस्पून नमक डाल देते हैं, अच्छे से मिला देते हैं और सारे गुजिया को इसमें सोक करके 1 घंटे के लिए रख देते हैं। मैं तो 3-4 घंटे भी रखती हूँ, लेकिन 1 घंटे में ये खाने के लिए तैयार रहता है। तो इसको सोक करके ज़रूर ही रखिएगा और इसको फ्रिज में 8 से 10 दिन तक आप रख सकते हैं, केवल पानी बदलना पड़ता है। तो चलिए फिर 1 कप दही ले लेते हैं, उसमें 2 टेबल स्पून हम चीनी डाल देते हैं और 1/4 कप पानी, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपको चीनी नहीं डालने का मन हो तो मत डालिए, लेकिन चीनी डालने से थोड़ा सा दही में मिठास आ जाता है ना, तो अच्छा लगता है, तो कम भी डालिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा दही। तो चलिए, तो फिर इसके लिए हमारे पास है चाट मसाला और भुना मिर्ची, धनिया और जीरा का पाउडर जो होममेड है, और सौंठ की चटनी है। तो इसकी भी रेसिपी मैं अपलोड करूँगी सौंठ की चटनी की। तो उस सौंठ की चटनी के साथ ही जीरा मिर्ची धनिया को जो हम लोग ड्राई रोस्ट करके जो बनाते हैं ना, तो वो उसमें मैं बताऊँगी। तो चलिए हमारा 1 घंटे हो गया, सोख हो गया हमारा गुजिया। तो इसके पानी को हम अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे ऐसे हाथ से प्रेस करके। और चलिए अब इसका प्लेटिंग कर लेते हैं। बाकी के जो बचे हुए मैं 2 ही कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए, बाकी बचा हुआ मैं फ्रिज में रख दूंगी। बस इसका पानी बदलते रहना है, तो आप 10 दिन तक रख सकते हैं फ्रिज में। तो ये हमारी सौंठ की चटनी है, ये रोस्टेड मसाला है, भुना हुआ जीरा धनिया और लाल मिर्च, और होममेड चाट मसाला है, और ये मठरी है। मठरी की भी रेसिपी मैं अपलोड करूँगी और ज़रूर डालिएगा मठरी, मठरी से बहुत अच्छा लगता है ये। तो चलिए फिर दही डाल देते हैं इसके ऊपर। दही डाल दीजिए, फिर हमारा रोस्टेड मसाला है 1 टीस्पून डाल दीजिए, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकती हैं, मैं 1 टीस्पून डाली हूँ इसमें। और ये ज़रूर डालिएगा और ज़रूर बनाइएगा, मेरे वीडियो में ये रेसिपी ज़रूर देखिएगा। और ये होममेड चाट मसाला है, अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए होगी तो ज़रूर बताइएगा। और ये सौंठ की चटनी है, ये तो ज़रूर बनाइएगा, इसकी रेसिपी मैं अपलोड करूँगी। तो सौंठ की चटनी ज़रूर बनाइएगा, मैं 1 टेबल स्पून डाली हूँ, आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। आप इसके ऊपर नॉर्मल नमक या काला नमक भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाली हूँ क्योंकि सौंठ की चटनी में भी नमक है, चाट मसाले में भी नमक है, हमारी मठरी में भी नमक है। तो अगर आपको ज़्यादा नमक खाने की आदत होगी तो ऊपर से 1/4 टीस्पून आप नमक डाल सकते हैं। और ये धनिया की चटनी है, तो धनिया की चटनी भी 1 टीस्पून डालते हैं। और सब डालने के बाद फिर से एक बार चाट मसाला और सौंठ की चटनी हम इसके ऊपर डालकर इसको सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे तरीके से भी एक बार आप बनाइए और ज़रूर बनाइए और खाइए, ये बहुत अच्छी लगती है। और खाइए पीजिए, खुश रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।